हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाई प्राइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और ये मेरे पास खड़ी है बजाज प्लेटिना 100 BS6 फेज़ 2 वाली, जिसकी E20 में अपडेट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर हमें चेंज और क्या क्या देखने को मिलता है। सामने से फ्रंट लुक की बात करें वो हमें सेम देखने को मिलती है। LED DRLs, हेलोजन लो बीम हाई बीम की लाइट, सेम वही हेलोजन के इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। इस साइड से बात करें तो भाई हमें नॉर्मल वाले हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। भाई अलॉय की बात करें 5 स्पोक्स का, वही सिल्वर कलर का अलॉय, एंटी स्किड ब्रेकिंग इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। साथ में रिफ्लेक्टर यहाँ बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इनका ये ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि एंटी स्किड है। पीछे वाला थोड़ा सा ब्रेक मारोगे तो आगे वाला भी कुछ परसेंट ब्रेक लग जाएगा। टायर की बात करें तो भाई ये कॉन्टिनेंटल का टायर हमें देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और टायर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका टायर साइज़ हमें दिया है 2.75, 17 इंच का इसमें सामने की तरफ हमें टायर देखने को मिल जाएगा। कम्फर्टेक की ब्रांडिंग हमें इसके सस्पेंशन पर देखने को मिल जाती है। साइलेंसर की बात करें तो ऑक्सीजन सेंसर हमें यहाँ देखने को मिलेगा, साथ में कैटलिक कन्वर्टर इसके अंदर हमें दिया है। सिंगल पीस होने के साथ ये बाइक हमें देखने को मिलती है। लेग गार्ड प्रॉपर आपको देखने को मिलता है, जो कि आप वहाँ पर लगवा सकते हैं, एक ऊपर लगा और नीचे भी आप वहाँ पर एक्सटेंड इसे करा सकते हैं। तो अब चलते इसके साइड में और बताते हैं कि क्या क्या अपडेट इस बाइक में हमें देखने को मिला है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो ये हमें 100 cc का इंजन देखने को मिलता है, जिसकी पावर की बात करें 7.79 BHP और टॉर्क की बात करें तो 8.34 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें हमें देखने को मिल जाएगा। भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें हमें 200 mm की देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है इस सेगमेंट के हिसाब से। नीचे बात करोगे ये नॉर्मल वाले फुटपैक, साइड में हमें यहाँ पर इसका ब्रेक पैडल देखने को मिल जाएगा। और ये बाइक हमें FI के साथ में किक भी प्रोवाइड कराती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा और पीछे की तरफ आएंगे तो ये जो इनका सिस्टम है डुअल ब्रेकिंग का, तो वो इसके अंदर इन्होंने छुपा रखा है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमें सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि हाइड्रोलिक कोयल सस्पेंशन है, जो कि काफ़ी अच्छी राइड आपको प्रोवाइड करेगा और कहीं पर आपको झटके महसूस नहीं होंगे। फुटपैक की बात करें तो नॉर्मल इस तरीके का हमें काफ़ी कंफर्टेबल फुटपैक देखने को मिल जाता है। पीछे वाले ब्रेकिंग की बात करें तो वही हमें इसका नॉर्मल ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, 5 स्पोक का 17 इंच का इसमें अलॉय व्हील पीछे देखने को मिल जाएगा। वही टायर की बात करें तो टायर यही हमें सेम कॉन्टिनेंटल का टायर, और साइज़ की बात करें 3.17 तो पीछे वाला टायर आगे से कुछ थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा, जो कि आपको ठीक ठाक ग्रिप निकाल के दे देगा। यहीं पे आप ऊपर की तरफ आते हैं तो साइड फेंडर पे आपको 100 कम्फर्टेक की पूरी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। वही ग्रैब हैंडल की बात करें तो सिंगल पीस का ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल इसमें हमें देखने को मिलेगा। पीछे से बात करें तो ये इसके वही हैलोजन इंडिकेटर, वही पुराने टाइप की इसकी लाइट, और ये इसका मड फ्लैप देखने को मिल जाएगा। सीट की बात करें तो भाई प्लेटिना हमेशा से ही अपनी लंबी सीट के लिए जानी जाती है, जो कि काफ़ी वाइड भी हो और काफ़ी कंफर्टेबल ये राइड आपको देगी, जिसकी सॉफ्टनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी सीट हाइट की बात करें तो भाई 804 mm की सीट हाइट है, मतलब यहाँ से लेकर और ज़मीन तक की जितनी भी दूरी है वो है इसकी 804 mm, तो 5-5 से ऊपर के बंदे इसको ईजिली चला सकते हैं। फ्यूल टैंक की बात करें वही स्लिक सा फ्यूल टैंक इसमें हमें देखने को मिलता है। प्लेटिना की स्टिकरिंग में ब्रांडिंग, E20 की ब्रांडिंग याद ही है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वही फ्यूल कैपेसिटी इसमें देखने को मिलती है हमें 10 लीटर की, 10.5 लीटर, तो 10 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। साइड से बात करें तो भाई ये कुछ इस तरीके का इसका मड फ्लैप देखने को मिल जाएगा। गियर की बात करें 4 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है। और भाई BS6 आने के बाद भी हमें इसमें मैनुअली ऑन ऑफ करने के बाद भी हमें इसका ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, तो ये हमें मिलती है कार्बोरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ। इसके साइड फेंडर की बात करें तो साइड फेंडर कुछ इस प्रकार का इसमें हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है।
साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों इसके अंदर कंपनी ने हमें दिए हैं। साइड स्टैंड इंडिकेटर भी कंपनी ने हमें यहाँ पर दे रखा है। यहाँ आप बात करेंगे वही नॉर्मल वाला सस्पेंशन, लेडी फुटरेस्ट, लेडी साड़ी गार्ड जो भी कंपलसरी है, ये वाला फुटरेस्ट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। ये ओवरऑल लुक आता है भाई इस बाइक का। तो अब बात करते हैं इसके हैंडल बार की। नॉर्मल इसमें हमें सिंगल पीस ये क्रोम वाला हैंडल बार देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ में पास स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ बात करोगे लाइट को ऑन ऑफ करने वाला स्विच और ये सेल्फ स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके मीटर की। पहले चाबी बताएं तो वही नॉर्मल वाली चाबी यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसको लगा दिया, जैसे ही ऑन करोगे पूरा एनालॉग देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ डिजिटल नहीं है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर सब कुछ एनालॉग, फ्यूल मीटर एनालॉग, बजाज की ब्रांडिंग, इंजन मॉल फंक्शन की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, ये कुछ छोटा सा इसका हमें ये पूरा मीटर देखने को मिल जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलते क्योंकि ये बेस वेरिएंट हुआ, मतलब सबसे सस्ती जो बाइक बजाज की तरफ से प्लैटिना आती है जो कि माइलेज के लिए जानी जाती है। जो LED DRL है वो भाई कुछ इस तरीके से हमें जलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये LED DRL इसके सामने की तरफ कंपनी ने हमें दिए हैं। तो भाई ये है बजाज प्लैटिना 100 जो कि भाई E20 के अंदर मतलब BS6 फेज 2 में आ चुकी है। भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। ऐसी ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। और ये बाइक ख़रीदना चाहते हो तो वह डिस्क्रिप्शन में जाओ, शोरूम का लिंक मिल जाएगा, शोरूम पर बात करके आप वहाँ से इसको ईजिली ख़रीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।